सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐप्स के बारे में जिसके थ्रू आप इजीली गाइस फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर मोबाइल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज़ ऐप्स को ऑफिशियली इंडिया में बैन कर दिया था, और हमारे जो फाइल ट्रांसफ़र ऐप है जैसे कि एक्जेंडर या शेयरइट, इन दोनों को ही गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था, जिसकी वजह से गाइज हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जैसे कि हम मोबाइल की जो फाइल्स होंगी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे मूवीज़ ट्रांसफ़र करेंगे अदर मोबाइल में। तो गाइज इसके चलते हमारी जियो कंपनी ने एक न्यू ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो स्विच। गाइज जियो स्विच आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और अब इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इसके थ्रू गाइज आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अदर मोबाइल में। ठीक है गाइज, और एक ऐप और है गाइज जिसका नाम है ज़ैपो। ये देखिए गाइज, ये भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और इसको यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके थ्रू भी गाइज आप इजीली फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर मोबाइल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है रौनक, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल द हेल्पिंग पॉइंट। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, क्योंकि टेक और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइज सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, सिंपली सर्च करना है जियो स्विच। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी। तो यही है गाइज हमारा जियो स्विच ट्रांसफ़र फाइल एंड शेयर इट। गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसको 10 मिलियन प्लस यूजर्स ने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है गाइज, तो मैंने भी इसे डाउनलोड कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है गाइज। और सेकेंड जो ऐप है गाइज वो है हमारा ज़ैपो। ठीक है गाइज, तो हम उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए गाइज, ये रहा हमारा ज़ैपो। गाइज ये भी फाइल ट्रांसफ़र है और शेयर ऐप है, इसके थ्रू गाइज आप इजीली फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसा कि इसकी नाम के आगे लिखा हुआ है, फाइल ट्रांसफ़र शेयर ऐप एंड म्यूजिक प्लेलिस्ट। गाइज इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और गाइज मैं आपको बता दूं इसको 15 मिलियन प्लस यूजर्स ने डाउनलोड किया, और इसकी जो रेटिंग है गाइज वो 4.5 चल रही है गूगल प्ले स्टोर पर। और आप देख सकते हैं गाइज इसका जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है गाइज, तो आपको इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है, और सिंपली गाइज आपको बस बैक करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जियो स्विच अकाउंट किस तरह वर्क करता है। तो आपको सिंपली जियो स्विच अकाउंट को ओपन करना है, और गाइज इसका कुछ इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे सेंड और रिसीव, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे गाइज। अगर आप सिंपली सेंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से गाइज आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके जितने भी मोबाइल में एप्लीकेशन होंगे वो सब दिखाए जाएंगे। आपको सिंपली उसको सेलेक्ट करना है, और डन पे करते ही गाइज आप उसे अपने फ्रेंड के मोबाइल में शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और इसी के साथ गाइज आप म्यूज़िक फाइल कंटेंट कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और इसमें कुछ आपको गाइज अगर आप 3 डॉट्स पर जाते हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, DP चेंज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे शेयर फाइल्स विद PC से भी आप फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और सेकंड जो ऐप है गाइज वो है हमारा ज़ैपो ऐप। गाइज वो ऐप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है। ये देखिए गाइज, आपको सिंपली इसे ओपन करना है, और या गाइज आप जैसे इसको डाउनलोड करते हो तो आपसे कुछ परमिशन पूछेगा, कुछ स्टेप्स पूछेगा, तो आपको सिंपली उन्हें स्किप कर देना है और अलाउ कर देनी है जो भी आपको परमिशन पूछे। तो गाइज इसका जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आप देख सकते हैं गाइज आपके यहाँ पे पूरे ऐप्स वगैरह सब दिखाए जाएंगे, और फोटोज़ वीडियोज़ ऑडियो फाइल जो भी आपको शेयर करनी है आपको सिंपली गाइज बस क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली गाइज बस शेयर पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको वाईफाई अलाउ करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप वाईफाई अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, और आपका जो बार कोड होगा गाइज वो कुछ इस तरह का होगा। तो जो आपका फ्रेंड होगा या जो भी आप जिसको भी आप फाइल ट्रांसफ़र करने वाले होंगे वो इसको स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद जो फाइल होगी गाइज वो आपके फ्रेंड के मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगी गाइज। ठीक है गाइज, और यहाँ इसमें गाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ तो गाइज
आप डिस्कवर कर सकते हैं कुछ बेहतरीन वीडियोस को। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको, आप जिन्हें फॉलो करते हैं आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, आप आईडी बना सकते हैं इस पर। ठीक है गाइस, रिकमेंडेशन पे जाते हैं तो हम यहाँ पे भी हमें कुछ मिनी गेम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ZF देखने को मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, और फाइल्स में जाएंगे तो हमको गाइस फाइल्स से रिलेटेड जो हमारे मोबाइल से रिलेटेड ऐप्स होंगे या फाइल्स होगी वो दिखाई जाएगी। मी के ऑप्शन पे जाएंगे तो गाइस यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखाई जाएगी, आप चाहें तो इसे सिंपली एडिट कर सकते हैं, बस आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी निकनेम या जो भी आपकी डी पी है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस अगर आपको इसमें नाइट मोड एक्टिव करना है तो सिंपली गाइस आपको इस पर क्लिक करना है, हमारे मून सा जो आइकन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ज़ियापू ऐप है वो गाइस नाइट मोड में चला जाएगा और आप सिंपली देख सकते हैं इसका जो इस तरह का लुक होता है नाइट मोड में। और अगर आप इसको वापस से चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सन आइकन पर क्लिक करना है तो ये चेंज हो जाएगा। सेटिंग्स में जाना चाहते हैं तो गाइस आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप चाहे तो इसकी फीचर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है गाइस, और गाइस अगर आप जाते हैं बीच ऑप्शन पे तो यहाँ पे गाइस आपको क्रिएट ग्रुप, ज्वाइन ग्रुप, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, शेक टू कनेक्ट, वो QR कोड शेयरिंग, फोन रिप्लिकेट, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं गाइस। तो गाइस ये थे हमारे वो दो ऐप जिनके थ्रू आप इजीली फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर मोबाइल में। आई होप आप लोगों को ये दोनों ऐप अच्छे लगेंगे और आप इजीली फाइल को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आप इन ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दे दिया है, आप चाहे तो इन्हें वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो यार लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ऐप कैसे लगे और आप जब इन्हें यूज़ करने लग जाएंगे तो आपका क्या रिव्यू रहेगा। गाइस मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, मैं उस पर उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा गाइस। सो प्लीज़ कमेंट फास्ट। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।